नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में। आज हम आए हैं घाटी गांव और जानेंगे ब्रॉयलर की जो फार्मिंग है वो किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहां के जो मालिक से कि ये ब्रॉयलर की फार्मिंग किस तरह की जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे जो ब्रॉयलर के चूजे हैं, ये चूजों की डाल के अभी ये शुरुआत की है इन्होंने फार्मिंग की। क्या नाम है दादा अपना? अमर सिंह। तो अमर सिंह जी, आप ये बताएं हमें, ये जो चूजे पाले हैं ये किस रेट में मिले आपको? जी अपन को 26 रुपये में मिला है। ये 26 रुपये में मिला है। हाँ। और इसकी रेट जो है वो घटती बढ़ती रहती है? हाँ, ऊपर नीचे होती रहती है रेट, है ना? और क्या। तो ये बताएं आप कि ये जो चूजा पाल रहे हैं आप, इस चूजे को कितना समय हो गया आपको पालते हुए? 8 साल हो गई सर। 8 साल हो गए। तो आप ये मान के चलें कि 1000 बच्चों पे लगभग कितना प्रॉफिट हो जाता है? 20 से 30 हज़ार रुपये प्रॉपर हो जाता है। 20 से 30 हज़ार हो जाता है। और वैक्सीन की अगर बात की जाए तो एक बच्चे पर कितना खर्चा होता है? वैक्सीन का, एक तीनों वैक्सीन का सर, हाँ, तीनों वैक्सीन का खर्चा आ जाता है 700-800 रुपये का। 700-800 रुपये। हाँ। इसके अलावा और कोई खर्चा? इसके अलावा इसके दवाइयों का खर्चा है सर। प्रॉपर इसमें प्रॉफिट कभी हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, कभी बराबर भी हो जाता है। जी नहीं, अगर निश्चित तौर पर आपको पैसा प्रॉपर मिलेगा ही, कुछ चला भी जा सकता है। तो आप हमें ये बताते हैं कि ये जो फार्मिंग है ये कितने दिन की है? जी 35 से 40 दिन में, 42 दिन में तैयार हो जाता है। कितने किलो का वेट गेन कर लेता है? जी 42 दिन में 2.5 किलो, 2.25 किलो को हो जाता है। तो ये 2.25 किलो का जो मुर्गा रहता है, 2.5 किलो का, तो ये अच्छे रेट दे के जाता है? हाँ, बढ़िया रेट दे जाता है। मार्केट पर डिपेंड करता है, मार्केट की रेट क्या है, मार्केट की रेट क्या, उस पर सप्लाई रहती है। तो इनकी वैक्सीन के बारे में कुछ बताएं कि इनकी वैक्सीन अभी हो चुकी है? वैक्सीन सर एक हो गई है इनकी। अच्छा, पहली बारी। तो अभी कितनी और वैक्सीन होंगी? अभी 2 और होंगी। 2 वैक्सीन और होंगी, मतलब टोटल जो 35 दिन की फार्मिंग है उसमें 3 वैक्सीन। 3 वैक्सीन। और इसके अलावा और कोई खर्चा? ये दवाई का खर्चा है ऊपर का। ऊपर क्या दवाई दी जाती है इसको? मैं शुरू में एंटीबायोटिक दिया जाता है। अच्छा। 3 दिन तो, और 5 दिन इसको मल्टीविटामिन दी जाती है, ई कैरसी वगैरह दिया जाता है। फिर इसमें ब्रूटोन लगाई जाएगी 10-12 दिन के बाद में। तो ये ब्रूटोन क्या इंजेक्शन द्वारा दी जाती है? नहीं, पानी में दी जाती है। ये पानी में दी जाती है। ये काय काय के लिए रहती है ब्रूटोन? ये बाकी लिए रहती है, बॉडी गर्म करने के लिए। अच्छा खाना उठाए, अच्छा पानी पिए, बच्चा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे बच्चा, इसलिए रहती है। इसके अलावा और कोई खर्चा? और लाइट भी नहीं खर्चा है सर। तो ये काम प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? प्रॉपर प्रॉफिट में तो है, उस समय के अनुसार प्रॉफिट होता है इसमें, हर समय पे प्रॉफिट नहीं होता है। मतलब कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस भी होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके का इनका फार्म है। ये कितने स्क्वायर फुट का फार्म है आपका? जी अपना 1200 स्क्वायर फीट है। ये 1200 स्क्वायर फुट का फार्म है। तो इसमें फार्म में कितने बच्चे आ जाते हैं? इसमें 1000 बच्चे आता है। 1000 बच्चे आ जाते हैं इसमें। तो आप ये बता दें कि ये जो काम है ये आपको इसकी सीख कहाँ से मिली या प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा इसकी सर ग्वालियर से मिली है, गिरवाई से, माँ काली बारे से, ठाकुर दास से। उनने ही दी है मेरे को सलाह। उनने सलाह दी है। हाँ। अब जैसे इसमें अगर कोई परेशानी आती है आपको तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं? डॉक्टर को सर मैंने नहीं बुलाया है कभी, बाई चांस बुलाया है, नहीं तो वैसे ठाकुर दास से दिखा लेते हैं, और नहीं तो आप तो खुद देख लेते हैं अपन। अच्छा, आप खुद देख लेते हैं, आपको इतना तजुर्बा हो गया। आपसे यही जानना चाह रहे थे कि ये काम की अगर शुरुआत कोई करता है तो इसमें प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? प्रॉफिट होता है, शुरुआत वो अपने हिसाब से करे, अच्छी व्यवस्था बनाए तो, और अच्छा पैसा भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। अच्छा, मिल भी सकता है, पैसा भी मिल सकता है। मिल सकता है, मतलब ये काम प्रॉफिट का है। प्रॉफिट का है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके का इनका फार्म है और किस तरीके से ये ब्रॉयलर की जो फार्मिंग है ये करते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों किस तरह का ये फार्म है, कितने बाई कितने में बना है और कितने बच्चे हैं। देख सकते हैं आप ये फार्म है और इसमें लगभग 1000 बच्चे हैं। ये सेट जो है कितने स्क्वायर फुट का है? जी सर 35 फुट इसकी लंबाई है, 22 फुट की इसकी चौड़ाई है। 22 फुट की इसकी चौड़ाई है। जी 780 फुट है। तो आप देख सकते हैं ये फार्म काफ़ी बड़ा है इनका और लगभग इसमें 1000 बच्चे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये बाकायदा आपने ड्रिंकर लगाए हुए हैं दाने के लिए, ये लगा हुआ बर्तन दाने का है ना, आपकी व्यवस्था पूरी बनी हुई है। और गर्मी में जब ये टीन तपती है तो इसके लिए आप क्या करते हैं? सर इस पर पानी चल रहा है अपने फार्म में। अच्छा, इस पर पानी चल रहा है जिससे ये टीन है ठंडी रहे? टीन ठंडी रहती है टीन। अच्छा, और इसका पानी का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है सर, ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक है ना? ऑटोमेटिक है। और बाकायदा हम देख सकते हैं दाने का भी जो सिस्टम है ये बना हुआ तरीके से।
अच्छा, समय समय पर स्प्रे भी किया जाता है। समय थी स्प्रे 8 दिन में करी जाती है स्प्रे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस मुर्गे को मार्केट में किस रेट से बेचते हैं? जो मार्केट की रेट होती है उस रेट से निकालना पड़ता है, उस रेट से निकालना पड़ता है या ज़्यादा हुए। देख सकते हैं बॉयलर की जो फार्मिंग है, तो आपको लगभग 8 साल हो गए। हाँ 8 साल हो गए। 8 साल में आपने अभी तक ऐसे कितने लोट बेच दिए? लोट वो गिनती में नहीं है, कई निकालने हैं, कभी खाली पड़ा रहता है फार्म। कभी ऐसा हुआ कि जिस समय आपको ये लोट लॉस देके गया? लॉस सर लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा लॉस देके गया है जी अपन को। अच्छा, लॉकडाउन में अपन को 3 लाख रुपए का घाटा देके गया था। अच्छा, 3 लाख रुपए का घाटा देके गया था आपको लॉकडाउन। उसके बाद फिर कभी ऐसा हुआ? फिर इसके बाद में जी बीमारी आती रहती है। तो बीमारी के लिए आपके पास दवाइयाँ हैं, स्प्रे दवाइयाँ हैं, ऐसे स्प्रे वगैरह कर ही रहे हैं अपन, फिर भी मतलब मर जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, उसके बाद भी मर जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका होस्ट एंड दोस्त हरीश पवार, जय हिंद।